आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी जो प्रेस है वो खराब हो जाती है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो प्रेस है वो गर्म नहीं हो रही, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका जो वायर है वो यहाँ पे चेक करके देखने वाला हूँ कि इसका जो वायर है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे प्रेस का जो पीछे वाला ढक्कन है वो यहाँ पे आपको इस प्रकार से खोलना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेस के यहाँ पे हमारे पास दो वायर है, इन दोनों वायर को हमें से अलग करना है। अलग करने के लिए ऊपर हमें यहाँ पे ये जो स्क्रू दिए हुए हैं इसको खोलना है, उसके बाद नीचे के जो वायर है उसको खोलने के लिए यहाँ पे प्रेस के अंदर जो कॉइल के अंदर जो स्क्रू दिए हुए हैं उसकी सहायता से हमें इन दोनों वायर को यहाँ से अलग कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वायर है, इसको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी कैपेसिटर है उसको लेके फिर आप इसको सीरीज के अंदर या फिर आपके पास कोई बोर्ड का जो लाइट है उसके अंदर आप पिन को लगा के फिर यहाँ पे कैपेसिटर के दोनों वायर को टच करना। यदि स्पार्क होता है तो आपका वायर सही है, और यदि स्पार्क नहीं होता तो इसका मतलब ये कि आपका वायर खराब है। फिर आप वायर को चेंज कर सकते हैं, चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे वायर को खोला था वैसे वापस फिट कर सकते हैं। और यदि आपका वायर सही है फिर आपको यदि देखना है कि आपकी जो कॉइल है वो सही है या नहीं, तो आप सीरीज बोर्ड के अंदर कॉइल को चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आपको दूसरा वायर लगा के यहाँ पे चेक करना है कि प्रेस गर्म हो रही है या नहीं। यदि नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि आपकी जो कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है, तो फिर आपको उसको चेंज करना होता है। तो मेरी एक कंडीशन है कि यहाँ पे वायर यहाँ पे ख़राब है, तो यहाँ पे जो कॉइल है वो सही से काम करे, तो यहाँ पे मैंने वायर को दूसरा लगाया, और इसके बाद यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का वायर मिलता है जो कि अर्थिंग होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको लगाना है, आप इसको काट भी सकते हैं। और इसके बाद हमें वैसा का वैसा फिट करना है जैसे हमने इसको पहले खोला था, इस प्रकार से आप फिट कर सकते हैं। और इसके बाद ढक्कन को पैक करके फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेस है वो गर्म हो रही है या नहीं। यहाँ पे आपको लेवल का बटन मिल जाता है, आप इसको कम ज़्यादा सेट करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा सेट भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि प्रेस के अंदर या तो वायर ख़राब होता है या फिर कॉइल ही ख़राब होती है, जिसको आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी प्रेस है वो यहाँ पे चालू हो चुकी है और ये गर्म होना भी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप खराब प्रेस को सही कर सकते हैं। आपकी प्रेस गर्म नहीं हो रही तो आप इसको इस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।